वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है जी डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। और आज फिर एक शानदार तड़कता भड़कता वीडियो आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का वीडियो है आंखों की रोशनी पर और खासकर चश्मा उतारने पर। पहले भी मैंने दो या तीन वीडियोस ऐसे डाले हैं जिसमें मैंने आपको अलग अलग नुस्खे बताए थे कि किस तरीके से आंखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोगों ने बोला था कुछ आसान, तो आज वाकई बहुत बेहद आसान तरीका आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूं। और आज आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र तीन चीजों से, और वो भी आपके घर में अभी के अभी मौजूद हैं, और मजा आ जाएगा जब तीन से चार महीने में रोशनी आंखों की आपकी जो है ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यानी चश्मा उतरने में आपको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे चेक करवा लेना चाहिए अपने डॉक्टर के पास जाके, राइट। और कमाल की बात इस फॉर्मूले की यह भी है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बड़े बुजुर्गों के लिए भी अच्छा है, और जो मेरी उम्र के लोग हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। जो लोग बहुत लिखत पढ़त का काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, यानी दिमाग के लिए भी बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, राइट। तो क्या वो नुस्खा है, किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, अपनी आंखों की रोशनी को तेज किया जा सकता है, आइए देखते हैं। और कैमरा थोड़ा सा नजदीक कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है ताकि आंखों की रोशनी को हम तेज कर सकें, राइट। पहली चीज है बादाम। बादाम कौन से बादाम? पिशौरी, है ना, कश्मीरी बादाम या पिशौरी बादाम। मैं हमेशा एक बात हमेशा बोलता होता हूं, आज फिर से दोहराता हूं, जिस बादाम का साइज छोटा और पेट मोटा हो वो बादाम आपने लेना है। आपने अमेरिकन एलमंड्स नहीं लेने हैं, वो जो बादाम होते हैं ना अमेरिकन बादाम, वो नहीं लेने हैं कैलिफोर्निया वाले, राइट। वो बादाम में ऑयल नहीं होता। आप कहेंगे इसमें कड़वापन है, लेकिन कड़वापन वो होता है जो पुराने ज़्यादा हो जाते हैं। आप फ्रेश लॉट लेंगे तो फिर कड़वा नहीं मिलेगा, कोई एक आधा मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ऑयल इसके अंदर ज़्यादा होता है और असर बड़ा बेहतरीन करता है, बड़ी गजब की चीज़ है। दूसरी चीज़ है काली मिर्च, ठीक है, और तीसरी चीज है एक कप दूध, ठीक। ये तीन चीजें बस, दैट्स इट, ठीक है। क्या करना है, कैसे बनाना है और इससे कैसे फर्क होगा, मैं ये भी बताता हूं आपको। देखिए, अगर मैं इस बादाम को लूंगा ना, ऐसे खाऊंगा तो ये गर्मी करेगा। बेशक सर्दियों में ये जज़ब हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी तासीर गर्म है। जब मैं रात को भिगो दूंगा इसको और सुबह उठ के खाऊंगा तो वो गर्म से उसकी तासीर सर्द हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सर्द होने के साथ साथ वो खुश्क रहेगी, खुश्की करता है साथ में, ठीक है। उस खुश्की को तर कैसे करना है, ठीक है, जब वो चीज सर्द हो जाए, सर्द होने के साथ साथ तर हो जाए, तो ये कमाल कर देगी आपकी आंखों की रोशनी के लिए और दिमाग के लिए, राइट। तो उसको तर करने का तरीका बता रहा हूं आज आपको, बहुत आसान है, बहुत पावरफुल भी है साथ में, और रिजल्ट ओरिएंटेड है। पहले दो महीने में तो आपको खुद को पता चल जाएगा, एक से डेढ़ महीने में पता लग जाएगा कि यस कुछ बात बन रही है, राइट। तो आपने क्या करना है, बादाम ले लीजिए, इसमें से छह सात बादाम ले लीजिए, ठीक है, सात बादाम और चार काली मिर्च। चार नहीं लेनी, तीन ले लेना, लेकिन तीन से कम मत लेना, ठीक है। सात बादाम वो, तीन काली मिर्च और एक कप दूध। अब आपने क्या करना है, सात बादाम रात को पानी में भिगो देने, सुबह उठ के उसको छील लिया, ठीक, और उसके अंदर तीन काली मिर्च जो है अच्छी तरह से आपने अच्छी तरह से घोट लेनी है। अब काली मिर्च ना इतनी गजब की चीज है कि जिस चीज के साथ मिल जाती है ना, ये तीक्ष्ण होती है, जिस चीज के साथ मिल जाती है रॉकेट बना देती है उसको। कभी ट्राई करके देखना, पैरासिटामोल 500 mg की टैबलेट के साथ दो काली मिर्च चबा के गर्म पानी के साथ निगल लो, उसको 650-700 mg का बना देगी। इतने पावरफुल है, मतलब तेजी से असर करती है, बहुत गजब की चीज है, ठीक है। तो इसके साथ जैसे ही मिलेगी ना, इसकी तेजी को बढ़ा देगी तीक्ष्ण, ठीक है। दो चीजें ये मिल गई। अब ये जो मिक्सचर आपने बना लिया, इसको एक कप दूध के अंदर अच्छी तरह से उबाले मरवाइए, कम से कम तीन चार। जब तीन चार उबाले अच्छी तरह से आ जाएं, तो उसको थोड़ा गुनगुना करके उसके अंदर, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो देसी खांड या फिर सबसे बेस्ट धागे वाली मिश्री वो आप डाल के अपने स्वादानुसार, वो आप डेली सुबह खाली पेट ले लो और कम से कम एक घंटे बाद कुछ खाना पीना, फिर देखना इसका असर।
और मुझे बताना 3 से 4 महीने में आपके आंखों के चश्मे का नंबर कम हुआ कि नहीं हुआ, या आंखों का चश्मा उतरा कि नहीं उतरा, फिर मुझे बताना। इतना गजब का और पावरफुल नुस्खा है, राइट। शेयर करना मत भूलना किसी के साथ भी, ताकि हर इंसान का भला हो सके। हर इंसान के साथ शेयर करना इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।